एयरटेल और वोडाफोन ग्राहकों को सरकार ने दिए ये संकेत। नमस्कार, देश में टेलीकॉम सेक्टर की हालत खराब है और शुक्रवार को ये चिंता और गहरा गई तो सरकार को बयान जारी करना पड़ा। गृह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एयरटेल और वोडाफोन आइडिया समेत अन्य कंपनी और अन्य और उनके करोड़ों ग्राहकों को भरोसा दिलाया है कि सरकार उन्हें डूबने नहीं देगी। वित्त मंत्रालय दूसरे संबंधित मंत्रालयों के साथ मिलकर इनकी समस्या का हल खोजने की कोशिश कर रही है। सीतारमण के अनुसार केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि भारत में काम करने वाली कोई भी टेलीकॉम कंपनी बंद ना हो और अब सब आगे बढ़े। बता दें, गुरुवार को ही निजी क्षेत्र को दो दिग्गज कंपनियां एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की जो वित्त स्थिति सामने आई है उससे तरह तरह की आशंकाएं उठने लगी है। गुरुवार को ही वोडाफोन ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 50,922 करोड़ रुपए और एयरटेल ने 23,045 करोड़ रुपए का घाटा दर्शाया। दो दिन पहले वोडाफोन के सीईओ ने तो यहां तक कह दिया था कि भारत में उनकी स्थिति यहां पहुंच गई कि अब कंपनी के सामने कारोबार समेटने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं। इन दोनों कंपनियों की ताजा वित्त स्थिति ने भारत के टेलीकॉम सेक्टर को लेकर कई चिंताएं पैदा की हैं। इससे सेक्टर में एक ही कंपनी का अधिकार होने की आशंका भी जताई जाने लगी है। बहरहाल, वित्त मंत्री सीतारमण का यह बयान अहम है क्योंकि सरकार की तरफ दूरसंचार कंपनियों की समस्या ये सलाह करने और उन्हें राहत देने पर सुझाव देने के लिए सचिव की एक समिति गठित की गई है। इस समिति की तरफ से अपने सिफारिशों को उसी पखवाड़े भीतर अंतिम रूप दिया जाएगा।